हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीमेन एनालिसिस टेस्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेंगे। सीमेन एनालिसिस टेस्ट संबंधित जानकारियां। ए सीमेन एनालिसिस आल्सो कॉल्ड अ स्पर्म काउंट मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ मैन सीमेन एंड स्पर्म। सीमेन एनालिसिस टेस्ट जो है वो मेज़र करता है द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन सीमेन ऑफ स्पर्म। ए लो स्पर्म काउंट और अबनॉर्मल स्पर्म शेप और मूवमेंट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू मेक अ वूमेन प्रेग्नेंट। द इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अगर जो स्पर्म जो है स्पर्म लो स्पर्म काउंट होता है या अबनॉर्मल स्पर्म शेप होती है, उस वजह से जो है एक आदमी को दिक्कत होती है एक वुमेन को प्रेग्नेंट करने में। और जब इनएबिलिटी की वजह से वो बेबी जो है कंसीव नहीं कर पाती वुमेन, उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अदर नेम्स स्पर्म काउंट, सीमम एनालिसिस, स्पर्म एनालिसिस, सीमम टेस्टिंग, मेल फर्टिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के ये सभी नाम भी होते हैं। ए सीमेन एनालिसिस इज यूज टू फाइंड आउट इफ़ अ प्रॉब्लम विथ सीमेन और स्पर्म मे बी क्यूजिंग अ मैन इनफर्टिलिटी। द टेस्ट मे ऑल्सो बी यूज टू सी अ विसेक्टोमी हैज बीन सक्सेसफुली। विल आई नीड टू डू एनी थिंग टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। इस टेस्ट को कराने जाने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा? यू विल नीड टू अवॉइड सेक्सुअली एक्टिविटी इंक्लूडिंग मैस्टुबेशन फॉर 2-5 days बिफोर द सैम्पल इज कलेक्ट। दिस विल हेल्प मेक श्योर योर स्पर्म काउंट इज एट लीस्ट हाईएस्ट लेवल। जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराने जाते हैं तो मेक श्योर कि 2-5 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 days कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अपने ना करियो। द रिजल्ट ऑफ अ सीमेन एनालिसिस इंक्लूडिंग, सीमेन एनालिसिस टेस्ट में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड किया जाता है। सीमेन एनालिसिस टेस्ट में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन होता है सबसे पहला। एग्जामिन में जो है वो बाय आइज किया जाता है, जिसमें लिक्विफिकेशन टाइम चेक किया जाता है जो कि 15 से 30 मिनट तक मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम चेक की जाती है जो कि 1.5 से 5 ml तक होनी चाहिए। कलर चेक किया जाता है जो कि ग्रे सी वाइट होना चाहिए। पीएच जो कि 8.0 एल्कलाइन होना चाहिए। विस्कोसिटी जो कि नॉर्मल होनी चाहिए। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन, इसमें टोटल स्पर्म काउंट चेक किया जाता है जो अप टू 20 से 150 मिलियन होना चाहिए। मोर्टेलिटी चेक की जाती है, मोर्टेलिटी में टोटल रैपिड सुलूजिस एंड इमोटली चेक किया जाता है। रैपिड जो है वो हमारा मॉडर्न 40 होना चाहिए। सुलूजिस और इमोटिलिटी हमारा नील होना चाहिए वैसे, और बाकी इन सबको जोड़ के टोटल 100 होना चाहिए। फिर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म की शेप वगैरह चेक की जाती है। शेप जो है नॉर्मल शेप जो है वो मोर देन 60 होनी चाहिए। फिर स्पर्म एनालिसिस ऑफ सीमेन एनालिसिस में अदर में चेक किया जाता है पस सेल, रेड सेल्स, ये सब चेक की जाती हैं। ये हम एक रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सीमेन एनालिसिस टेस्ट में जो बाय माइक्रो एग्जामिन चेक किया जाता है क्वांटिटी, कलर, विस्कोसिटी, लिक्विफिकेशन। फिर आता है सीमेन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन, टोटल स्पर्म काउंट, मेटरलिटी, नॉन मेटरलिटी, सुलूजिस और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, टोटल नॉर्मल स्पर्म, टोटल अबनॉर्मल स्पर्म और पस सेल, ये सभी हमने आगे डिस्कस किए थे और ये एक रिपोर्ट है जिसकी मदद से आप नॉर्मली समझ सकते हैं।